बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, जुम्मा मुबारक। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल चिकन कोरमा। उसके लिए मैंने चिकन लिया है 1 किलो। ये मैंने देसी लिया है। मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, तेज पत्ता है और हरी इलायची है, लौंग है, और चक्रफूल है, दालचीनी है और काली इलायची है। ये सब मैं इसमें ऐड कर लूँगी। नमक, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी शिमला मिर्च है, तो ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इतनी आप इसको अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, जैसे आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो, ज़्यादा कम, ये ले लिया है। और मैं इसमें लूँगी 1 कटोरी दही। इसको थोड़ा दही को फेंट लें आप, और इसमें डालेंगे हम, इसमें ऐड करना है मुझे तेल। पर पहले हम इस प्याज को, ये मैंने 3 बड़ी प्याज ली है, इसको बहुत बारीक चॉप करें, चॉपर से कर लें इसको बारीक। इसको हम फ्राई करेंगे, तो इसका जो तेल निकलेगा ना उसमें हम इसमें ऐड करेंगे, जब तक हम इसको मैरिनेट होने देते हैं। तेल चढ़ा दिया, गर्म हो गया, करना है सारे प्याज को फ्राई करना है। हमारी फ्राई हो गई, हमने निकाल ली, इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब हम इसके अंदर तेल ऐड करेंगे, ये वाला तेल जो हमने इसको अच्छे से चाल देंगे, उसको मैरिनेट होने देंगे करीब 20 से 25 मिनट तक। अब मैं ऐड करूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट करीब 4 चम्मच। इसको भी अच्छे से मिला देंगे और इसको फर्मेंट होने देंगे। जब तक मटन चिकन रखा है हमने, तब तक हम इस खोपरे को भूनेंगे। अब इसको भूनेंगे और फिर हम इसे मिक्सर के जार में पीसेंगे। इसे भूनेंगे हम थोड़ा सुनहरी होने तक, ये मोटा लग गया तो आप इसे मिक्सर के जार में पीस लें। इसे मैं पीस लूँगी, इस तरह से मैंने भून लिया है। अब मैंने लिए 2 हरी इलायची, जायफल और खसखस और खोपरा, मैं इनको पेस्ट बनाऊँगी, पीस लूँगी इन्हें। अब हम चिकन को 10 मिनट तक होने देंगे, और तब तक हम इस प्याज को या तो मिक्सी में पीसेंगे या हाथ से कर लेंगे। मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, ये माशाल्लाह से बहुत हो गई नरम है। करीब 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे गोश्त ने और दही ने पानी छोड़ दिया है। मेरी लाइट चले गई है, तो अब मैं है ना इसे गैस पे बनाती हूँ, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ कुकर में। मिनट हो चुके हैं, अब करीब आधा गल चुका है ये। अब हम डालेंगे ये मसाला जो पिसा हुआ था, मैंने ये प्याज भी पीस ली थी, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डालूंगी और इसे ढाक के गला। पूरा तैयार हो चुका है हमारा। अब मैं 1 चम्मच इसमें केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, जो कि देगी में डालते हैं। ये कोरमा गाढ़ा ही होता है, इसमें पानी नहीं करते हैं। अब मैं सर्व करने के लिए इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बिल्कुल रेडी है
सर्व करने के लिए करूँगी जेली केक के साथ। जेली केक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब।